अगर ये कहो कि भगवान ने 16,000 गोपियों के साथ रासलीला की तो हम उनके अंश हैं, उतना नहीं कर सकते तो 16 के साथ ही रासलीला करें तो आपत्ति क्या है? अगर कोई ऐसा कुतर्क करे कि भाई हम उनके अंश हैं, हमारे अंदर भी तो सामर्थ्य कुछ न कुछ है, बोले बात ठीक है, लेकिन अंश का सामर्थ्य जो होता है वो इस लायक नहीं होता। किस प्रकार से? बोले जैसे गंगा जी हैं, आप गंगा जी जाओ, गंगा में स्नान करने के बाद अपने कमंडल में गंगा जल भर करके आप ले आते हो कि नहीं ले आते? अब वो गंगा जल आप ले आए तो रास्ते में गंगा जल स्वयं पवित्र है, लेकिन लाने के समय आप सावधान रहते हो कहीं किसी से छू न जाए, अशुद्ध न हो जाए, जबकि गंगा स्वयं पवित्र है। क्यों? अगर आप गंगा जल कमंडल में लेकर के आओ और अपने घर में रखो और कुत्ता आकर के उस कमंडल के जल को चाट ले अथवा उसमें मुंह लगा दे तो उस गंगा जल से भगवान की पूजा करोगे? नहीं करोगे। क्यों क्यों नहीं करोगे? गंगा जल है। अरे भाई कुत्ते ने चाट दिया इसलिए अपवित्र हो गया? बोले वही कुत्ता तो गंगा जी में जाकर के डुबकी लगा रहा था, गंगा में भी पानी पी रहा था, तब गंगा अशुद्ध नहीं हुई? तब क्या उत्तर दोगे? बोले यही उत्तर दोगे कि गंगा में कुत्ता जाकर के पानी पी ले तो गंगा अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि गंगा का वो मूल रूप है, उसमें सामर्थ्य है, लेकिन गंगा से निकला हुआ एक कमंडल जल वो उसका अंश है, बाहर होते ही उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। अब उसको कुत्ता छू दे तो अपवित्र हो जाएगा, और वही पानी फिर गंगा में ले जाकर के डाल दो तो फिर गंगा में वो कुत्ता आकर के पानी पिए, चाहे नहाए चाहे मरे हुए कुत्ते को ही गंगा में फेंक दो, फिर भी गंगा अशुद्ध नहीं होती। क्यों? बोले गंगा का सामर्थ्य, लेकिन उसका अंश उससे अलग होते ही वो उस लायक नहीं रह जाता। हम जीवात्मा परमात्मा के अंश हैं, लेकिन हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है जो भगवान के अंदर है। भगवान सर्वसमर्थ है, और अगर भगवान के सामर्थ्य पर विश्वास है और भगवान का ही अनुकरण करना है तो भगवान ने जो जो किया सब करो। हाँ, भगवान ने रासलीला करने के पहले क्या किया था? बोले रासलीला करने के पहले भगवान ने पूतना के अस्तन में लगे हुए कालकूट विष को पिया था और उनका कुछ नहीं हुआ। बोले भाई वो भगवान थे, हम उनके अंश हैं। बोले तुम उनके अंश हो, कालकूट विष नहीं पी सकते तो एक सल्फास की गोली ही खा लो, अगर बच जाना तो रासलीला करना। भाई उनके अंश हो तो एक ही गोली खा लो, भगवान तो कालकूट पिए, कालकूट तो बड़ा भयानक विष होता है, तो एक गोली खाने के बाद भी अगर बच जाओ तो फिर देखना फिर आगे क्या हो। कृष्ण भगवान ने रासलीला करने के पहले काली नाग के फण पर नृत्य किया जिसके 100 फण थे। आप कहोगे वो भगवान थे, सर्वसमर्थ थे। बोले तुम भी उनके अंश हो, उन्होंने 100 फण वाले काली नाग पर नृत्य किया, तुम एक फण वाले पर जरा पैर रख करके देख लो, फिर अगर जिंदा बचना तो रासलीला करना। भगवान ने जो जो किया वो सब करके दिखाओ, केवल एक लीला का अनुकरण? भगवान ने तो बहुत कुछ किया। भगवान ने तो अग्नि को पानी जैसा पी लिया, रासलीला करने के पहले उन्होंने अग्नि का पान किया। तुम्हारे मुंह में भी उठा करके इतनी बड़ी आग का, इतना बड़ा आग का अंगारा डाल दें, अगर जिंदा बचना तो बताना क्या होगा, सोचो। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला करने के पहले 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर धारण किया। तुम 7 दिन तक 7 किलो का वजन भी उठा करके अगर खड़े रह जाओ तो बता देना हमको, क्या नकल करोगे भगवान की? भगवान की यह दिव्य लीला है, इसमें किसी प्रकार का भौतिक चिंतन नहीं करना चाहिए, ये सब दिव्य लीला है, और ये गोपियां भी भगवान की दिव्य पार्षद हैं, ये दिव्यात्मा हैं, इन दिव्यात्माओं के साथ भगवान का जो रमण है, जो लीला है, ये नित्य लीला है। इस लीला को भगवान इस पृथ्वी पर कुछ काल के लिए प्रकट करते हैं, ये लीला तो नित्य चलती रहती है भगवान की। क्यों? बोले भगवान नित्य हैं, उनकी लीला भी नित्य है। उस लीला को कुछ काल के लिए भगवान पृथ्वी पर प्रकट करते हैं। क्यों? बोले इस लीला को सुन करके गा करके संसार के प्राणियों का मन हमारे में लग जाए, जीवात्मा का मन भगवान में लगे, इसलिए भगवान ऐसी लीलाओं को प्रकट करते हैं। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवकूपा। भगवान के चरित्र का यही प्रयोजन है कि इसको गा करके सुन करके जीवात्मा अपना मन मुझ में लगा दे। तात्पर्य ये है। सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने अरिष्टासुर नाम के
असुर का उद्धार किया। कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का एक असुर आया वृंदावन में वृषभ का रूप धारण करके, भगवान ने उसका वध किया। तब तक देवर्षि नारद पहुंच गए कंस के पास और नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, राजन आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए। कंस ने कहा, महाराज जिसको जिसको मैंने भेजा पता लगाने के लिए, जो गया वही लापता हो गया, लौट के आया ही नहीं, क्या पता लगाते। नारद जी ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे राजतंत्र को, धिक्कार है तुम्हारी व्यवस्था को, तुम्हारे तंत्र को। तुम आज तक अपने एक शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारे शत्रु ने चुन चुन करके तुम्हारे एक एक आदमियों को मारा और तुम अभी तक मशगूल हो। अरे तुम तो मारे जाओगे, तुमको कोई बचा नहीं सकता। कंस ने कहा, महाराज क्या करें, हमने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। तो नारद जी ने कहा, मैं बताता हूं, वृंदावन में नंद बाबा के घर में जो बालक है, जिसको लोग नंद नंदन समझते हैं, जिसको यशोदानंदन समझते हैं, जो कृष्ण है, वो कृष्ण ही तुम्हारा शत्रु है। कंस ने कहा, हमारा शत्रु तो देवकी की आठवीं संतान है। नारद जी ने कहा, वही देवकी की आठवीं संतान है। रातों रात वसुदेव जी ने अपने बेटे को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में रख दिया और धीरे धीरे वो 10 साल का हो गया और तुम्हारे एक एक आदमियों को, पूतना को उसने मारा, अघासुर को उसने मारा, बकासुर को उसने मारा और तुमको अभी तक पता नहीं चला। अब तो कंस पागल हो गया, वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा, देवकी वसुदेव को अगर कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। संकेत संकेत में नारद जी ने कह दिया कि 2 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। लेकिन फिर भी उस चोंगा बसंत को, उस मूर्ख को समझ में नहीं आया, उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा, महाराज हम क्या करें, आप ही कोई रास्ता बताओ। तो नारद जी ने सोचा, अब ये तो कंस तो जाएगा नहीं भगवान के पास, भगवान ही इसके पास आवे तो इसका वध करें, तभी इसका उद्धार होगा। तो भगवान ने, नारद जी ने कंस से कहा, देखो राजन अब किसी को मत भेजो, जिसको तुम भेजोगे कृष्ण बलराम मार देंगे, अब किसी प्रकार से उनको तुम यहां बुला लो मथुरा में, और यहां पर तुम्हारे बड़े बड़े वीर हैं, यहां कोई षड्यंत्र करके मार देना, कोई उपाय कर लेना। कंस ने कहा, हाँ ये ठीक है। कंस ने कहा, यहां पर हम मल्ल युद्ध का आयोजन करेंगे, मल्लशाला बनेगी और उसमें बड़े बड़े पहलवान कुश्ती करेंगे, मल्ल युद्ध करेंगे, उसी में कृष्ण बलराम को भी बुलाएंगे और उसी में हमारे बड़े बड़े पहलवान कृष्ण बलराम को मार देंगे। नारद जी ने कहा, हाँ ये ठीक। नारद जी ने कंस को समझा दिया, कंस ने योजना बनाई। उसी समय केशी नाम का एक असुर आया। केसी ने कहा, महाराज एक मौका मुझे दो, मैं जाता हूं कृष्ण बलराम को मार करके आता हूं। कंस ने कहा, ठीक है जाओ। केशी आया, घोड़े का रूप धारण करके, अपना मुंह खोल करके भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ा। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने उसके मुख में ही अपना हाथ डाल दिया पूरा, उसकी श्वास अवरुद्ध हो गई, केसी की मृत्यु हो गई और उसका पेट फट गया। अपने हाथ को उसके मुख में डाल करके इतना बढ़ा दिया भगवान ने तो उसका पेट फट गया। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे ककड़ी होती है, ककड़ी पक जाने पर बीच से फट जाती है, उसी प्रकार तद देह तक करकट फाल कोपमाद, करकट माने ककड़ी, ककड़ी जैसे सूखने पर, पक जाने पर बीच से फट जाती है, उसी प्रकार उसका पेट फट गया। केशी मर गया। जब केशी मर गया तो नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने अभी अभी केशी को मारा है, आपको धन्यवाद साधुवाद, और अब आगे आपके द्वारा चाणूर का वध होगा, मुष्टिक का वध होगा, कुबले यापीट का वध होगा और परसों आप कंस का वध करेंगे और फिर मथुरा में आप रहेंगे, गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, इसके बाद आप द्वारिकापुरी बसाएंगे और द्वारिका में भगवती रुक्मिणी के साथ आपका विवाह होगा, इन सब लीलाओं का मैं दर्शन करूँगा। ऐसा कहते हुए नारद जी ने भगवान की स्तुति की।